आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आइए पहले इन सभी गोदी चैनल्स का हम असली मुद्दों पर जरा कवरेज देखते हैं। अरे न्यूज चैनल देखकर सच्चे पत्रकार समझे क्या? गोदी चैनल हाय माए, सच नहीं दिखाएगा साला। तो इनको सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना है। हमारा देश ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है कि अब हम चाहकर भी उन्नति नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश के आगे से डेवलपिंग कंट्री का खिताब हटा दिया है, मतलब विकास करने वाला देश, जो खिताब हमें पहले दिया गया था उसको हटा दिया गया है। पर हमारे चाटुकारों को उससे क्या मतलब, हमें तो पंडित मौलाना हिंदू मुस्लिम यही दिखाना है और हमारे देश के लोगों को भी यही देखना है। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालना कुछ लोगों को इतना चुभ गया कि राम भक्तों पर पत्थरों से हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया गया, हिंसा का ऐसा खेल खेला गया। वो पुरुषोत्तम राम के अवतरण का दिन था और ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में कैसे पत्थरबाजी होती है? पत्थरबाजी करेंगे आप जुलूस पे, पथराव। मैं जो बताऊं आप चलाइए। आपको इन दिस कंट्री नोबडी हैज रेकग्नाइज्ड कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड, बट दे आर वरीड अबाउट मुस्लिम जेनोसाइड व्हिच हैजंट टेकन प्लेस। द फेथफुल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, टेकिंग आउट प्रोसेशंस, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, विजिटिंग टेंपल्स वर अटैक्ड। रामनवमी पर जुलूस निकले, उस पर पत्थरबाजी हो, क्यों अपने ही देश में अपना पर्व मनाने पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा रामनवमी शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को? आप तीनों मिलाकर भी एक एक मंदिर ऐसा बता दीजिए जो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। क्या आदमी है यार ये, तीनों मिलकर एक मंदिर बता दो जो मस्जिद गिरा के बनी हो। ये लोग तो बस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कर सेवक है, डिगिंग अप द हिस्ट्री टू क्रिएट अ न्यू भव्य रियलिटी, है ना अमीश जी? अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे एक हिंदू सो कॉल्ड बाबा, जो कि अब जाग चुके हैं, मतलब पथराव से सुरक्षा करने वाले मुजरिम हैं और उन पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, पर ऐसे लोगों पर हमारे गप्पू मिनिस्टर कुछ नहीं करते। साफ साफ इस व्यक्ति ने वीडियो में मुस्लिमों के नरसंहार की बातें कही हैं, बट दे डोंट केयर। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि अगर आप ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं, पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव, सभी आराम से आराम से, तो अब है ही कहाँ, सो जाओ, सोना हिंदू तो सो ही रहा है। हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। हिंदुओं से ज्यादा मुर्दा कौम दुनिया में कोई है ही नहीं। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब अंजना दीदी के शो पर युवा सच्ची बात करते हैं और कैसे अंजना दीदी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 70 साल से ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं चल रहा, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के बारे में कबीरदास 70 साल से, कई सदियों पहले उन्होंने वो कहा हुआ है, मुस्लिमों के बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, दा चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। ठीक है, वहीं उन्होंने ना कि बस मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वा चक्की भली जो पी सखाए संसार। तो कहीं ना कहीं अगर इन विवाद इस विषय पे बहस करने से अगर फुर्सत मिले तो हम युवाओं के लिए भी थोड़ा देख लीजिए। बहुत बढ़िया, जरा देखें मोहतरमा के चेहरे को, ये क्या हो गया, मतलब जो दिन रात मैंने हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाई वो इस युवा के दिमाग में नहीं बैठी, मतलब मेरा प्लान फेल हो गया। या अल्लाह, आई मीन हे भगवान, कोई चमत्कार करो और इस लड़के के दिमाग में नफरत भरो।
यहाँ सभी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं है, मेरा सवाल इस युवक से जो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या आपको हिंदू मुस्लिम के विवादों में फंसना है या जो आपके माँ बाप आपके पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं नौकरी लेने का है? आपका मेरा सवाल इनकी जवाब से मिल जाएगा, बताइए। क्या शख्स ने धारदार हथियार से किया हमला, आरोपी ने पुलिस को किया गिरफ्तार। अगले क्लिप्स देखें और जरा सुने कि हमारा गोदी मीडिया कौन सा नशा करके न्यूज पढ़ता है। या तो ये योगी से गांजा लेकर फूंकते हैं, नहीं तो चरसिया वाले सेंटीमेंट पीकर पढ़ते हैं। और इन्होंने आरोपी से पुलिस को गिरफ्तार करवा दिया और योगी को ही पीएम बना दिया। मेरे को तो लगता है हमारे पीएम मोदी इस बात से बहुत खफा होंगे। गोरखपुर से पीएम योगी के नामांकन के बाद कैसे चलेगा ये? गोरखपुर से पीएम योगी के नामांकन के मोदी जी हम घर में घुस के मारेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अगले एक और क्लिप में हम देखेंगे कि कितना प्यार भरा हुआ है ऐसे लोगों के मन में। अगर कोई बाबा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो, मतलब ना ही हो तो अच्छा है मेरे भाई। उसे अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है तो सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और अगले क्लिप में हम देखेंगे बजरंग दल और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के धर्म को अपने पैर की जूती समझते हैं, उनकी कैसे धज्जियां उड़ाते हैं रवीश कुमार। हम और आपको ऐसे ही व्यक्ति की पत्रकारिता देखनी चाहिए जो हमें धर्मों के नाम पर नहीं बांटता। ऐसा कोई हफ्ता या दिन नहीं गुजरता जब देश के किसी हिस्से से ऐसी खबरें नहीं आती कि एक दल किसी को खाने से रोक रहा है, एक दल किसी को मंदिर के बाहर तरबूज बेचने से रोक रहा है। अधिकारों की लड़ाई संविधान की अदालतों में नहीं, धर्म के चौराहों पर हो रही है। अधिकार का फैसला धर्म के आधार पर होने लगा है। संविधान की पंचायत में सुनवाई ऐसे होती है जैसे आज से पहले ये विषय ना आया हो। इन धार्मिक अतिक्रमणों और आक्रमणों के सहारे समाज के मिडिल क्लास को एक किस्म के धार्मिक और मानसिक सुख की सप्लाई होती है। उसे इस खुजली से आनंद मिल रहा है। हर जगह नया भारत और सबका भारत बनाने के नारे तो लिखे हैं, लेकिन इन्हीं नारों की आंखों के सामने एक तरफा भारत भी बनता दिखाई। अगला क्लिप है हमारे ड्रग दो बाबा अर्नब गोस्वामी के चैनल का, और ये मोहतरमा असल में यूक्रेन की हैं और शायद ये इनका पहला एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, और हमें इनका मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मजाक बनाना चाहिए तो इन्होंने जिस चैनल को चुना उस चीज का। उस चैनल का स्टार चाटुकार ही जब टांगे उठा उठा कर नाच नाच कर झूठ पड़ता हो तो छोटे मोटे पत्रकारों का ऐसे करना स्वाभाविक है। 129 मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 53 दिन का समय बीत चुका है लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज दावे किए गए हैं। रूस का कहना है कि मारियोपोल समेत आसपास के इलाकों में विदेशी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरा वाला कंप्यूटर जी जी एक और भी देखें। पहली तस्वीर इस समय आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, वो युद्धपोत जो बहुत शक्तिशाली था, बड़ी क्षमता वाला जहाज था, उसको डुबोया यूक्रेन ने, जो बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। हालांकि रूस ने इसको नहीं स्वीकारा है, लेकिन ये वही ब्लैक सी है दावा किया है। ये ब्लैक सी की तस्वीरें आप देखिए, ये ब्लैक सी की तस्वीरें आप देखिए। ये अरे भैया धोखा देख लियो, रुको जरा, सब्र करो। उस
लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक मौजूद है और ये भी कह रहा है कि वो विदेशी सैनिक जो है वो भाड़े के सैनिक है। रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद है जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जुड़ाव को लेकर के काफी सख्त हो चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए। यूक्रेन की मदद कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रूस है जिसको ये कतई नागवार गुजर रहा है। और नाटो देशों को रूस ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर नाटो देशों ने हथियारों की मदद यूक्रेन को करनी नहीं छोड़ी तो नाटो देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और आखिरी क्लिप बहुत ही बेहतरीन है। इस क्लिप में एसपी लीडर रविकांत ने उन सभी के मुंह पर कस के चांटा लगाया है जो लीडर नमाज के स्पीकर्स पर ये कहते हैं कि हमें हनुमान चालीसा नमाज के सामने स्पीकर पर चलानी चाहिए। ये क्लिप देखें और जानें कि लीडर और ऑपोजिशन कैसी होनी चाहिए। कुछ तथा कथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। सखी channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.